आज प्रश्नावली 9.1 का 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको चित्र के माध्यम से हम समझा रहे हैं, उसमें बहुत लेंदी है। एक हमारा टीवी टावर है और ये नहर है। नहर नहर के उस पार से एक बिंदु से हमारा उन्नयन कोण 60 का है और 20 मीटर दूर इस बिंदु से, नहर के उस पार बिंदु से 20 मीटर दूर जो उन्नयन कोण हमारा है टीवी टावर का 30 है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसकी हाइट और ये नहर की दूरी बताना है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले नहर की दूरी निकालेंगे तो इक्वेशन बनेगी हमारी। तो इसके क्या हो जाए, ए अपॉन में ए बी अपॉन में हमारा हो जाएगा सी बी बराबर ए बी। क्या है हमारा फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा है क्या परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो इसके हिसाब से टेन थीटा हो जाएगा हमारा। तो टेन थीटा रख लिए। अब टेन थीटा ए बी हमारा है एच और ये एक्स है, और थीटा बराबर हमारा दिया है 60 तो h अपॉन में x 1060 का मान हमारा रूट थ्री होता है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट थ्री एक्स हो जाएगा। अब हमारी x x की वैल्यू जो निकाल लेंगे तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी हाइट पता चल जाएगी और x हमारी नहर की दूरी होगी। तो x के लिए क्या पूरा एंगल लेंगे, तो पूरा एंगल हमारा हो जाएगा क्या ए बी अपॉन में डी बी पूरा लेना पड़ेगा, तो ये भी हमारा टेन थीटा होता है, इसे लंब बटे ए बी आधार है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि यहाँ पे हाइट रहेगी तो हमारी रहेगी, बस यहाँ पे प्लस 20 ऐड हो जाएगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर टेन थीटा बराबर हमारा 30 दिया है। अब यहाँ पे हाइट की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसकी जगह पे क्या रूट थ्री एक्स अपॉन में 20 प्लस एक्स बराबर टेन, 30 का मान हमारा होता है 1 अपॉन में रूट थ्री। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कर जाएगा, हमारा 3 एक्स हो जाएगा बराबर 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो हमारा 2x माइनस एक्स बराबर 20, फिर 2x बचेगा और ये 20 हो जाएगा, ये हमारा आ गया 10। ये हमारी 10 जो आया है नहर की दूरी है, और जब ये 10 हम इसमें रख देंगे तो हमारी हाइट भी पता चल जाएगी। तो हाइट के लिए क्या एज बराबर रूट थ्री इंटू टेन, तो हमारी हाइट ये हो गई, ये हाइट है हमारी टीवी टावर की।